हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र आई क्यू चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब पार्ट 7B पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 7A हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड क्या था, उसमें इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो 2 पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात 7B पढ़ने जा रहे हैं, 7A हो गया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के विषय में पढ़ेंगे। जो ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑक्टेट रूल को कोई भी स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता, आज उसके इस लिमिटेशन को पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि यह जो वीडियो है दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, इसलिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से अंत तक देखें, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों, और कॉमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके मुझसे रिप्लाई के रूप में ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल को। आइए हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के विषय में। यहाँ लिमिटेशन का क्या हिंदी होता है, लिमिटेशन का हिंदी होता है सीमाएं, ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक, और रूल का मतलब होता है नियम, यानी अष्टक नियम की सीमाएं को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, इनके विषय में हम आपको बताएं कि अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे अगर नियोन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, नियोन, तो 2, 8, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी परमाणु संख्या उसका 10 होता है। तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, 8। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 8 होता है। अब कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, चाहे सोडियम है, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, सभी क्या चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस के समान जो है अपना क्या बनाना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसे कुछ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे या तो गेन करना पड़ता है या तो लॉस करना पड़ता है, यानी गेन करने और लॉस करने के जो क्रम में इलेक्ट्रॉन का जो गेन और लॉस होता है वही उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, वैलेंसी भी कहलाता है। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ जो सोडियम की बात कर लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8, 1 हुआ, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है, तो ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा, और लॉस करके क्या बनाना चाहेगा, नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा। क्यों, तो नियोन, इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, तो ये 2, 8, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाना चाहेगा, ये नियोन लाइक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा। और जैसे ही ये लॉस करेगा, इस पर क्या होगा, यह केटायन हो जाएगा, यानी धनायन हो जाएगा। केटायन का अर्थात क्या, हिंदी क्या होता है, धनायन हो जाएगा, यानी सोडियम आयन हो जाएगा। सोडियम एटम से क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम आयन और सोडियम एटम में क्या अंतर है, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, तो अब हम यहाँ क्या जानेंगे। तो यह जो सोडियम है 2, 8, 1, ये 2, 8, 1 है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लेगा, सोडियम आयन बना लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 हो जाएगा। तो ये किसके तरह नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, यानी ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी प्रत्येक एलिमेंट चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अब हम बात करते हैं, आपने ये देखा कि ऑक्टेट को पूरा करता है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, चाहे कंपाउंड हो, स्टेबल होने के लिए उसको ऑक्टेट को पूरा करना होता है। यानी कोई भी कंपाउंड अगर बनाते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोरीन को ले लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यह स्टेबल है। जितने भी कंपाउंड होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और वो क्या होता है, स्टेबल होता है। प्रश्न उठा तब ये लिमिटेशन पढ़ने की क्या जरूरत थी, तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसकी लिमिटेशन है, उनकी सीमाएं हैं,
आपने देखा कि प्रत्येक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लें और अन्य कंपाउंड की बात कर लें, तो उनमें क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके वो स्टेबल बन जाता है, वो चाहे कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल्स हो, स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड हैं जिसके ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। यही लिमिटेशन है। लिमिटेशन का क्या मतलब है, आपकी लिमिट क्या है, मतलब आप कहाँ तक आपकी सामर्थ्य है, आपकी कहाँ तक आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा कर सकते हैं कहाँ तक आप सक्रिय हो सकते हैं और कहाँ से इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी लिमिटेशन का मतलब यहाँ ये है। उनकी सीमाएं हैं या उनकी एरर की बात कर ले, मतलब ये जो रूल्स दिया गया इनमें क्या कुछ इसका जो हम कह सकते हैं कि इनमें जो क्या कुछ त्रुटियाँ हैं उनके हिसाब से लिमिटेशन को देखते हैं, तो वही एरर में चला जाता, वही लिमिटेशन में चला जाता। ये लिमिटेशन का मतलब उसका जो है सीमा खत्म हो जाता है, यानी ऑक्टेट रूल का सीमा जो है कहां खत्म हो रहा है, BeCl2 के पास खत्म हो जा रहा है, BeCl2 के पास यानी बेरियम क्लोराइड के पास खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है जरा देखते हैं। अभी हम आपको कहे थे प्रत्येक जो है क्या कहते हैं कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होता है ऑक्टेट रूल को फॉलो करके, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट भी पूरा नहीं करता है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, वो फिर भी वो क्या है एग्जिस्ट, हमारे एग्जिस्ट का मतलब है अस्थायी अस्तित्व में है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है अस्तित्व में है, उसका जो है अस्तित्व है कहीं ना कहीं। तो चलिए बेरियम क्लोराइड के विषय में बात करते हैं, कैसे ये अस्तित्व में है और ऑक्टेट को पूरा नहीं करता, इसके विषय में जरा जानते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड के विषय में लिखा हुआ है। बेरियम क्लोराइड को बेरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो एटॉमिक नंबर अगर 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 होगा, चलिए ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, और एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, इसका क्या हो जाएगा 2 8 7 हो जाएगा, तो 2 8 7 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, जबकि बेरियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना था 4 था, तो 2 और 2 था ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है इसमें 7 है, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड BeCl2 कितना है, BeCl2 यानी बेरियम 1 है और क्लोरीन कितने हैं 2 है, यानी सेंटर एटम कौन है बेरियम है, तो बेरियम इधर भी Cl ले लेंगे और इधर भी Cl ले लेंगे, ले लिए। अब यहां देखिए बेरियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बेरियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां देखिए एक में 2 है, एक में 7 है, एक में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ हम बात करते हैं अगर इसके पास 2 है तो शेयर कितना करेगा, ये बेरियम जो है शेयर कितना करेगा, ये बेरियम क्लोरीन को 1 दे देगा, इसके पास 1 2 3 4 5 6 एक से इसके इसके इससे एक शेयर करेगा, बेरियम से एक शेयर करेगा, चलिए एक शेयर कर दिया और ये भी एक शेयर कर देगा, तो चलिए क्लोरीन को तो आप ऑक्टेट पूरा करते हुए देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6 और ये क्या हो गया 8, ये इसका क्या हो गया ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अगर हम बात करें किसका, इस क्लोरीन की बात करें तो इसका भी देखिए 1 2 2 4 2 6 1 7 एक क्या करेगा, एक ये एक जो है शेयर कर रहा है, देखिए बेरियम से शेयर कर रहा है, तो बेरियम के पास भी एक और बचा है, ये शेयर कर लिया, तो यह भी ऑक्टेट को पूरा कर लिया कि नहीं। लेकिन यह जो बेरियम आपको बीच में बच गया है, दो ही तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, तो एक तो इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो टोटल अगर बात करें इनको तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया है, 4 हो गया, क्या ये ऑक्टेट को पूरा किया, ऑक्टेट को बेरियम पूरा नहीं किया, फिर भी क्या है ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ही लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का। तो इसलिए हमने आपको बताया कि यहाँ जो है लिखा हुआ क्या है, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट का यहाँ हिंदी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसको समझना आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब जो है क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड है जो ऑक्टेट भी पूरा नहीं करते लेकिन क्या करते हैं वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ आप सोडियम क्लोराइड का हम उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको, जैसे HCl की बात करें, HCl की, तो हाइड्रोजन का अगर हम बात करें, फिर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करें और क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 होता है, तो यह 1 देना क्लोरीन और ये 1 देना चाहेगा, तो ये 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 फिर 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया, 1 इसको शेयर करेगा,
शेयर करेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 6 तो इसके पास तो 7 है ही ना, 2 2 4 2 6 1 क्या करेगा, शेयर करेगा किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को भी ड्यूएट पूरा करना है, और ड्यूएट पूरा करने के लिए ये इस से शेयर करेगा, देखिए इसमें पूरा हो रहा है, तो ये जो है ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन बेरियम क्लोराइड को आपने क्या देखा, बेरियम क्लोराइड में कुछ ऐसा खासियत नहीं था, इसलिए हमने लिखा मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ सोडियम क्लोराइड के विषय में हमने जो बताया था, यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, देखिए ये भी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शेयर करके आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके भी ऑक्टेट को पूरा किया जा रहा है। देखिए सोडियम का कितना होता है, 2 8 1 होता है कि नहीं, एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन लॉस कर सकता है, चलिए ये लॉस करेगा। क्लोरीन को कितना होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो एटॉमिक नंबर 17 तो 2 8 7 लिखेंगे, 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 हो गया, तो 7 हो गया इसके पास, क्लोरीन के पास हो गया, तो क्लोरीन के पास 7 है, सोडियम के पास क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो यह 1 क्या करेगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सोडियम आयन बन जाएगा। क्लोरीन के पास क्या है, 7 है, क्या है, तो 2 2 4 बाह्यतम कक्षा में इनको कितना है, एक मिनट रुक जाइए, बाह्यतम कक्षा में सोडियम को 1 है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन को क्या है बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 7 है, 2 2 4 2 6 1 इसका क्या करेगा, शेयर करेगा, शेयर नहीं करेगा, यहाँ क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, शेयर नहीं करेगा, ये 7 तो है ही है ना इसके पास, 7 इनके पास है, और ये जो देख रहे हैं ये इनको ट्रांसफर कर देगा, और ये ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यह भी ऑक्टेट को पूरा कर लिया, यानी 2 8 8 हो गया, ट्रांसफर करके भी जैसा हो रहा। अब यहाँ देखिए सोडियम की बात करें, तो सोडियम में 11 था, 1 दे दिया इसको, एक ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास भी 2 8, यह भी स्टेबल हो गया, यह भी स्टेबल हो गया, लेकिन बेरियम क्लोराइड में आपने क्या देखा, बेरियम क्लोराइड में हमने देखा, बेरियम क्लोराइड में 1 इनको दे दिया, 1 इधर दे दिया, यानी 1 इस क्लोरीन को दे दिया, 1 क्लोरीन को दे दिया, 1 क्लोरीन को दे दिया, तो खुद को कितना हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इनको हो जाता है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने में असफल रहता है, यानी इनकंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, फिर भी यह क्या करता, एग्जिस्ट करता, इसका भी अस्तित्व है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और लिमिटेशन के विषय में जानते हैं, इसलिए हमने लिखा सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट शुड बी अनस्टेबल, इसको अनस्टेबल होना चाहिए, तब तो इसको अनस्टेबल ना होना चाहिए, लेकिन है क्या ये स्टेबल है, यह भी स्टेबल है, जबकि इससे अनस्टेबल होना चाहिए इस कंपाउंड को, लेकिन क्या है ये स्टेबल है, तो यही लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का, जबकि ऑक्टेट रूल और सब कंपाउंड पर फॉलो कर रहा है और सब कंपाउंड पर लागू होता है, जबकि बेरियम क्लोराइड पर लागू नहीं हो रहा है, ये जबकि इनको क्या होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, जब लागू नहीं होता इसको अनस्टेबल होना चाहिए, हो क्या रहा अस्टेबल, इसी तरह का कुछ और सारे जो नियम है उसको देखेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें बेरियम क्लोराइड में बीई के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल कंपाउंड है, ये ध्यान में रखना है। और दिस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो स्टेबिलिटी है, या जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी है, बेरियम क्लोराइड की जो स्टेबिलिटी है ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट कुडंट बी एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट रूल, और यही ऑक्टेट रूल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया, अगर ऑक्टेट रूल के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाता तो ये एरर जो है, ये जो लिमिटेशन हो रहा है ऑक्टेट रूल का, ये लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि ये चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया था ऑक्टेट रूल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेट रूल के विषय में हम लोग जान रहे हैं। अब आगे हम आपको बता देते, कुछ करने के लिए आपको दिया जाता है, ये टेस्ट के रूप में हमने यहाँ लिख दिया टेस्ट, ये आपको करके हमको जो है व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, चाहे आप कमेंट बॉक्स में भेजिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, तो इनको आप बना करके BeCl3 का, लिथियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का, उसके बाद बेरियम फ्लोराइड का, बोरोन फ्लोराइड है हाँ, उसके बाद बेरियम हाइड्राइड का, उसके बाद अल्मोनियम क्लोराइड को, इसको बना करके आप हमको दिखाइएगा, भेजिएगा, ताकि हम समझ जाएं कि आपने जो बताया अभी उसे सीखें। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट है मॉलिक्यूल्स विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ऑड का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स विद यानी मॉलिक्यूल्स यानी कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसके सेंटर एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, जबकि ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ऑक्टेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इवन वाला, क्या है, इवन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 7 हो जाएगा, अभी उसमें देखिए ना 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, सेंटर एटम पर कितना हो रहा था, इसमें देखिए ना सेंटर एटम में, सेंटर एटम में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जबकि
इसमें क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जरा देखें हम ऑड इलेक्ट्रॉन होता कैसे है। चलिए मॉलिक्यूल्स विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें मॉलिक्यूल्स विद ऑड इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, ऑक्टेट कुडंट एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है ये एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल नहीं करता। क्या नहीं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑड नंबर को एक्सप्लेन नहीं करता। वहां हमने देखा ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट, यहाँ क्या है, इनकम्प्लीट को क्या नहीं करता, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, पहला पॉइंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट को एक्सप्लेन नहीं करता है ऑक्टेट रूल, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से ऑड इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए लिमिटेशन बोलिए तो आप इसी तरह बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं करता। चलिए नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। चलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-5 होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-6 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहां क्या है, अब हम आपको बता दें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो चलिए 6 है तो ऑक्सीजन कितना और लेगा, तो ये ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा जो 8 हो जाएगा, 6 है तो 2 और चाहिए, गेन करना होगा, तो किससे गेन करेगा, नाइट्रोजन से करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड बना है, तो नाइट्रोजन से लेना चाहेगा। नाइट्रोजन से यदि लेना चाहेगा तो क्या होगा, तो पहले तो इसको छुआ दे दीजिए, 2-2-4 दे दिए, अब कितना देगा, अपना शेयर करेगा, 2 इससे देगा और 2 क्या करेगा, शेयर करेगा, तो ये भी अपना क्या करेगा, 2 दे दिया। चलिए 2 दे दिया तो अब जो है तो ये तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसके पास बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितना बच गया, 2 तो शेयर करने लिया, अब इसके पास बचा है 1-2-3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 इधर देखिए, 3-4 कितना हुआ, लेकिन इसको 7 ही ना हुआ, 7 क्या है, ओड है कि इवन है, यानी ओड है, ओड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इनका, ओड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए हमने कहा कि ये देखो ऑक्टेट इसको पूरा किया नहीं किया, ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं इसके, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर भी ये कंपाउंड बना रहा है यानी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अस्थायित्व में है, इसका एग्जिस्टेंस है इनका, इस कंपाउंड का ये स्टेबल है, अनस्टेबल जबकि होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा नीचे में कि सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट शुड बी अनस्टेबल, इसको क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन है क्या ये भी स्टेबल है, क्या नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड को NO लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं तो स्टेबल है इसका, तब ना वो कंपाउंड बना रहा है। तो इसलिए हमने बताया कि ऑक्टेट रूल का जो है लिमिटेशन के रूप में इन सारे कंपाउंड को देखा जा सकता है, इन ये जो है ऑड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ठीक है, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसका लिमिटेशन बताएंगे, वो तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के रूप में था। तो अब हम बता देते हैं, ये दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देखिए, तो यहाँ इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 6 है, तो बाह्यतम 2-2-2 यहाँ, 2 नीचे, तो 2-2-4, 4 2 को शेयर कर दिए, यहाँ शेयर कर दिए, तो 4-2-6 नाइट्रोजन भी 2 शेयर कर देगा, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2-2-4, 2-6, 2-8 हो गया कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसको हो गया। लेकिन अब ये 2 नाइट्रोजन तो 2 शेयर कर लिया, अब इस ऑक्सीजन के पास आएगा, इसके पास भी तो 6 है, तो देखिए तो 6 है तो 2-2-4 ये 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसके पास जो है 6 है, इनके पास कितना है, इनके पास 6 है, इसके पास कितना है, नाइट्रोजन के पास यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2-1-3 है, 2-5 ना हो गया टोटल, ये शेयर कितना कर सकता है, 1 मिनट, इस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, ये तो ऑक्टेट अपना पूरा कर लिया, लेकिन नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन देखिए 2-2-4 टोटल 4 हो गया, 4 ये 2-6 हो गया, 1-7-1-8 हो जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन अब शेयर करेगा, नाइट्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि 4 इधर हो गया है। अब इनके पास अगर 2-1-3 एक अगर देता है तो 8 हो जाता, अगर भूल से अगर ऑक्सीजन ऐसा लिखा हो, नाइट्रोजन है इस साइड भी ऑक्सीजन है, इस साइड भी ऑक्सीजन है, चलिए इनको यह भी दे दिया इधर से, एक मिनट रुक जाइए, यह भी
यह भी इधर से दे दिया, यह भी दो दे दिया, ठीक है दे दिया। इधर भी अगर वो क्या करे दो दे दे, ये भी इससे दो दे दे, आपके हिसाब से यदि इस हिसाब से चले तो क्या हो जाएगा, तो दो दो चार, इसके पास बचा कैगो, एगो बच गया। तो अब देखिए तो चार ऐसे अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है नाइट्रोजन को, तो चार चार आठ एक नौ हो जाता है, तो नौ तो करना नहीं है यहाँ। चलिए तो इसलिए हम यहाँ हम दो दो करके इस साइड से शेयर नहीं कर सकते, इस साइड से दो का शेयर कर लिए लेकिन इस साइड शेयर दो का नहीं कर सकते। चलिए तो अभी क्या देख रहे थे कि नाइट्रोजन के पास जो है ऑक्सीजन ये हुआ, नाइट्रोजन ये हुआ, ऑक्सीजन ये हुआ, नाइट्रोजन के पास इधर से एक दो, इधर से भी दो कर लिया, अब इधर से कितना करने का है, एक का करने का है, इधर से एक ही करेगा, यहाँ एक करेगा। अब जो है तो यहाँ कितना बच जाएगा, दो एक तीन चार, यहाँ ये एक हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो गया दो हो गया, ये दो इधर से कितना चार चार, अब इस कितना शेयर किया है तो दो दो चार दो छः हो गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, दो और बच गया है ना, तो चार चार आठ हो गया। ये ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, ये नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन की बात कर लेते, ये एक ही तो शेयर किया है ना, ऑक्सीजन में कितना और बाकी रह गया, पाँच पाँच, क्योंकि छः होता है ना बाह्यतम कक्षा में, तो दो दो चार एक पाँच बाकी रह गया, तो दो दो चार पाँच पाँच, ये अगर टोटल ले ले तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन के पास सात इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, सेवन इलेक्ट्रॉन क्या है ओड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, यही चीज यहां दिखाने की बात कही गई है। इस ऑक्सीजन को आप देख लीजिए, दो दो चार दो छह एक सात इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस प्रकार से सेवन इलेक्ट्रॉन क्या है ओड इलेक्ट्रॉन है, और ओड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट शुड बी अनस्टेबल, इसको अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है अस्टेबल है, स्टेबल है कि नहीं, अस्थाई है ना, ये अस्थाई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन के विषय में भी हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के तीसरे लिमिटेशन के विषय में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोग पढ़े कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन के विषय में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के विषय में, ये जो पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट के विषय में पढ़ रहे हैं। यहाँ एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, क्या मतलब है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है कि यहाँ अभी तक हम ये जाने क्या जाने थे कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने के लिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है, तो यहाँ ऑक्टेट रूल से भी एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी ऑक्टेट मतलब आठ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आठ इलेक्ट्रॉन से भी जो सेंटर एटम होता है, जैसे PCl5 की बात करते हैं, PCl5 की बात करते हैं, तो सेंटर एटम क्या हो गया, फास्फोरस सेंटर एटम हो गया, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। क्लोरीन के विषय में तो जानते हैं कि क्लोरीन में कितना होता है बाह्यतम कक्ष में 17, सॉरी बाह्यतम इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है, तो बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 7 यानी 7 होगा, लेकिन अगर फास्फोरस की बात करें तो 15 होता है, 2, 8, 5 होगा, बाह्यतम कक्षा में कितना होगा 5 होगा। चलिए तो PCl5 एक कंपाउंड है, एक क्या है कंपाउंड है, अब यहां देखिए P सेंटर एटम है, अब चारों साइड क्या होगा, एक क्लोरीन हो गया इधर से, एक क्लोरीन इधर से, एक क्लोरीन इधर से हो गया, तीन हो गया, एक चार हो गया, एक पांच हो गया, यानी PCl5 में क्लोरीन कितना है, पांच क्लोरीन है, तो पांच क्लोरीन दे दिया, सेंटर एटम में क्या हो गया P हो गया, अब ये सात है, इसके पास कितना है पांच इलेक्ट्रॉन है, P के पास कितना बाह्यतम कक्षा में पांच, और क्लोरीन के पास कितना सात है, तो अब है सात है तो क्या करेगा, पांच है तो ये एक तो इधर दे देगा, ये अपना दे दिया, एक इसको दे, इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया, पांच इनके पास था, पांचों क्लोरीन को एक एक करके दे दिया, अब एक एक करके पांचों को दे दिया तो एक एक करके क्लोरीन भी देगा कि नहीं, एक एक करके सॉरी एक एक करके क्लोरीन भी देगा, एक एक करके क्लोरीन भी देगा, एक एक करके क्या देगा क्लोरीन भी देगा, तो हम पूछते हैं पांच 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 दुना 10 हो जाएगा, बताइए तब, जबकि फास्फोरस को कितना होना चाहिए, फास्फोरस को 8 ही इलेक्ट्रॉन ना होना चाहिए, ऑक्टेट को अगर ये कंपाउंड पूरा करता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था कि नहीं, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फास्फोरस को 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो गया ऑक्टेट का एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ कि नहीं, इसलिए हमने बताया ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें ऑक्टेट रूल नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन करता क्या द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये भी एक्सप्लेन ऑक्टेट ने नहीं किया, इसलिए ये हमने क्या कहा ऑक्टेट रूल का ये भी क्या है लिमिटेशन है, अर्थात बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट से भी आगे निकल जाता है, एक्सपेंडेड का मतलब आगे निकल जाता है यहां।
जैसे PCl5 है, PF5 है, SF6 है, H2SO4 है। तो आपसे हम ये कहते हैं, जैसे यहाँ लिख भी दिए पी परमाणु एटम के चारों ओर की तरह बना करके भी दिखा दिया गया, चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट शुड बी अनस्टेबल बट इट इज स्टेबल। यहाँ हमने लिख दिया सब कुछ क्लियर करके, तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये भी आप इसके विषय में भी आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, यह भी जो है ऑक्टेट रूल जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसे अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि ये भी क्या है, एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट के विषय में भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको देते हैं कुछ बनाने के लिए। ये जो PCl5 का तो हम बना दिए, PF5 का, SF6 का, H2SO4 का आप बना करके हमें दिखाइएगा कि कैसे बनाते हैं। नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा कि हमें नहीं हुआ, फिर हम आपको समझाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप बना करके भेज दीजिएगा। चलिए अब चौथा अगर लिमिटेशन की बात करें, किनके लिमिटेशन की, चौथा लिमिटेशन यानी ऑक्टेट रूल के चौथे लिमिटेशन की बात करें, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अष्टक सिद्धांत अणु की शेप यानी आकृति स्पष्ट नहीं करते। ये जो अष्टक सिद्धांत है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं उनकी स्पष्ट आकृति, उसकी जो स्पष्ट जो शेप होता है वो भी क्लियर नहीं करता। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है कि नहीं, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर करके बनता है तो उसका जो है क्या होता है, तो शेप का कोई भी शेप नहीं, उसका कोई शेप नहीं होता, जबकि कोवलेंट बॉन्ड का शेप होता भी है। जैसे अगर CH4 की बात कर ले, कार्बन की बात कर ले, तो टेट्राहेड्रल होता है, जबकि और सारे को बात सोडियम क्लोराइड का कोई शेप नहीं होगा क्योंकि वो अनडायरेक्शनल होता है। तो चलिए ये भी आप अब आगे चल करके और समझाएंगे इसके विषय में, यानी ये शेप के विषय में आपको अलग एक मतलब एक टॉपिक अलग से ले आएंगे। तो फिर आप फिलहाल आप समझ गए होंगे कि अष्टक सिद्धांत अणु की शेप स्पष्ट नहीं करता, ये स्पष्ट किसी भी मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड का शेप को, आकृति को स्पष्ट नहीं करता। ऑक्टेट रूल इनर्ट गैस की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। ऑक्टेट रूल किस पर आधारित है? ये जो ऑक्टेट रूल है किस पर? तो इनर्ट गैस यानी नोबल गैस है, नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन बार बार हम कहा करते हैं, नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। सोडियम किसके किसका जो है नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा? तो नियरेस्ट नोबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए नियोन के पास जाएगा, क्योंकि नियोन के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नोबल गैस क्या होता है, यहाँ नोबल गैस का क्या मतलब है? नोबल गैस से मतलब है वो जब स्टेबल हो जाएगा, जब कोई भी कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो कभी एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा तो वो अक्रियाशील हो जाएगा, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता, वो रिएक्शन उसका रिएक्शन नहीं, यानी कोई भी इनर्ट गैस जो है रिएक्शन नहीं करता किसी भी एलिमेंट से, नहीं करेगा। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ ऐसे भी इनर्ट गैस हैं जो रिएक्शन करता है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से अष्टक अणु के शेप सॉरी ऑक्टेट रूल इनर्ट गैस की रासायनिक अक्रियता पर आधारित। अक्रियता मतलब जो क्या कहते हैं, रिएक्ट नहीं करता है, परंतु कुछ इनर्ट गैस जैसे जीनॉन तथा क्रिप्टॉन और उसके बाद ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से संयोजित होता है। जैसे जीनॉन किससे संयोजित होता है, देखिए जीनॉन Fe2, जीनॉन क्या हो गया, एफ से हो रहा है, जीनॉन किससे हो रहा है, फ्लोरीन से हो रहा है, क्रिप्टन किससे हो रहा है, फ्लोरीन से हो रहा है, जीनॉन यहाँ के ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों से हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब अक्रियाशील है, जब रिएक्ट नहीं कर सकता है, यानी अक्रियाशील है, तो फिर यहाँ जीनॉन का फ्लोरीन का कैसे रिएक्शन हो गया, तब ना कंपाउंड बन गया, यानी किसी से कंपाउंड नहीं बनेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, तो फिर कंपाउंड बनाया कैसे? इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्टेट रूल का ये भी एक लिमिटेशन है। तो आप इस तरह से जितने भी इसके लिमिटेशन होते हैं, हमने आपको क्या क्या बताने की कोशिश किया, और आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के विषय में पढ़ने के लिए। किसके विषय में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, तो ये तो ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ इंटर एटॉमिक दो भागों में इसको केमिकल बॉन्ड का जो टाइप है, कितने तरह के, अभी तक हम जान रहे थे केमिकल बॉन्ड क्या है, ऑक्टेट रूल किस तरह से फॉलो करता है, कोई भी कंपाउंड स्टेबल कैसे हो जाता है, इनके विषय में हम जान रहे थे। अब इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करके पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपका शुरू हुआ वो सारा इंट्रोडक्शन में जा रहा था, अब हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सब के विषय में जानेंगे। सबसे पहले टाइप्स को जान लेते हैं, बेसिक टाइप्स क्या है। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड होते हैं, यानी इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल
केमिकल बॉन्ड। तो दो तरह के होते हैं, या इंटर एटॉमिक का मतलब हुआ अंतर परमाणुविक रासायनिक बंधन, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही थोड़ा जानने की कोशिश करें। इंटर एटॉमिक का मतलब, इंटर एटॉमिक का हिंदी में क्या कहेंगे, सॉरी इंटर एटॉमिक को जो एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे, यानी बिटवीन। इंटर एटॉमिक का मतलब बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में क्या होना, दो एटम के, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो सोडियम में आयन होता है, इसमें क्या होता है नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बिटवीन टू एटम्स क्या होता है आयन, ये जो है ना क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है, बिटवीन टू एटम्स होता है, ये जो होता है इंटर एटॉमिक जो केमिकल बॉन्ड होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहाँ होता है, तो बिटवीन टू एटम्स होता है, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, या मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, यानी बिटवीन टू एटम्स जो होता है, जो भी होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और बिटवीन टू एटम्स जो होता है कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड में कौन आता है, आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, मेटेलिक बॉन्ड आता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, ये सारे अंदर इनके आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड जो होता है जो बिटवीन टू एटम्स के बीच में होता है, और बिटवीन टू एटम्स के बीच में जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के बीच में जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है उसी को इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इंटर मॉलिकुलर केमिकल बॉन्ड का मतलब हुआ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसे इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है यानी बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड के अंतर्गत कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और वांडरवाल्स फोर्स आता है, वांडरवाल्स फोर्स आता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यहां आयनिक बॉन्ड का आयनिक बंधन भी कहते बंध कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी बंध कहते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, जबकि मेटेलिक बॉन्ड को धात्विक बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, और वांडरवाल्स बल है, हिंदी में भी थोड़ा बहुत कर दिए हैं। आप समझ में आ गया होगा कि ये जो बॉन्ड होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, मेन टाइप्स क्या है, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड है, और दूसरा क्या, इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड है। इस प्रकार से आपको ये सारी कहानी जो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड के, ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इन सब के विषय में एक एक करके पढ़ेंगे, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, क्या डिफरेंस है आयनिक बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और एक एक करके अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, शेयर करेंगे तो हमारे फैमिली अधिक होगी, और आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप डायरेक्ट हमें क्या करें, व्हाट्सएप से हो, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर ये नहीं समझ में आया, हम बताएंगे आपको, ठीक है। और अधिक से अधिक इतना मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो लाते हैं, तो आप कम से कम इतना मेरे लिए करें कि शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो, और मेरे फैमिली में अधिक से अधिक, इस फैमिली में अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।